नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा राजस्व अधिकारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने करनाल दौरे पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात कर संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र उन्हें सौंपा है। हरियाणा राजस्व अधिकारी संघ ने ज्ञापन में अपनी विभिन्न मांगों को उठाया है। ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगों में HCS कोटे में सीनियोरिटी कम मेरिट के आधार पर प्रमोशन देने, लगभग 50 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को जिनके पास सरकारी गाड़ी नहीं है उन्हें सरकारी गाड़ी मुहैया करवाने की मांग रही। इसके अलावा ज्ञापन में कहा गया कि ETO और तहसीलदार एलाइड HCS श्रेणी में आते हैं, लेकिन तहसीलदारों का वेतन उनसे कम है। तहसीलदारों का वेतन ETO के समान किया जाए। इस दौरान तहसीलदारों के खिलाफ दर्ज FIR में निष्पक्ष जांच करने की भी मांग उठाई गई। ज्ञापन के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को रूल और राइट के साथ सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों द्वारा दी गई रूलिंग की प्रतिलिपि भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तहसीलदारों की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई DRO राजवीर धीमान व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज अहलावत ने की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव जयवीर रंगा, करनाल तहसीलदार राजबख्श, प्रदीप देशवाल, DR गौतम, सुदेश मेहरा शामिल थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।